का अधिकतर जमीनी हिस्सा इसके पेनिनसुला का भाग बन गया है और ये लाखों साल की गतिविधि के नतीजे में बना है। इस दौरान पृथ्वी के बीच वाले हिस्से की प्लेटों ने समुद्र में सफर तय किया और फिर मौजूदा रूप पा लिया। इस कहानी में द्वीपों के लिए एक खास जगह है। भारत के पास ऐसे दो बड़े संग्रह हैं। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में 500 से ज्यादा द्वीप हैं। माना जाता है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब इनका निर्माण हुआ। इसी टक्कर की वजह से भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ हिमालय बना। इस टक्कर से दो प्लेटें मुड़ी और एक दूसरे के नीचे घुस गईं। इससे पानी के नीचे एक रिज बनी और इसे और बढ़ाया पिघले हुए मैग्मा ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस रिज के सबसे ऊपर वाले हिस्से हैं और इनका पानी से ऊपर उठा भाग द्वीप बन गया। द्वीप क्या होते हैं? ये बेशक दिखने में तैरती जमीन लगती हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सच ये है कि हमें जो दिखता है वो पूरे भूभाग का एक छोटा सा हिस्सा भर है। द्वीपों को महाद्वीपीय या समुद्री कहा जा सकता है। समुद्री द्वीप महासागरों की घाटी से अक्सर ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण तल से सतह की तरफ उठ जाते हैं, जबकि महाद्वीपीय द्वीप महाद्वीपीय जल सीमा के पानी में डूबे हिस्से होते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। लेकिन भारत में तीसरा एक बिल्कुल अनोखे किस्म का द्वीप है। भौगोलिक नजरिए से लक्षद्वीप एक कमाल की जगह है। इसकी उत्पत्ति लगभग 6,60,00,000 साल पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों से हुई और ये जगह रीयूनियन हॉटस्पॉट कहलाती है, जो भारत के बजाय ईस्ट अफ्रीका के ज्यादा करीब है। 6,60,00,000 साल पहले यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी होता था, फिर इसमें एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसकी वजह से डेकान ट्रैप्स भी बन गए। एक महाविस्फोट में निकले मैग्मा ने बेसाल्ट लावा की एक परत बना दी और एक दरार बन गई, जिससे भारत और अफ्रीका अलग अलग हो गए। भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसकती गई और ये हॉटस्पॉट प्लेट से और टकराता गया, जिससे कई ज्वालामुखीय द्वीप बन गए। इन ज्वालामुखीय द्वीपों की श्रृंखला से चैगस लैकेडाइव द्वीप समूह का निर्माण हुआ और आज लक्षद्वीप इसका एक हिस्सा है। लक्षद्वीप केरल के तट से पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं और संस्कृत में इस शब्द का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप। लेकिन सच्चाई ये है कि यह 25 से 35 द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से 10 पर इंसानी बसावट है, जिनमें राजधानी कवरत्ती शामिल है, और बाकी पर कोई नहीं बसा हुआ है। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.84 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बित्रा सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.1 वर्ग किलोमीटर ही है। कुल मिलाकर लक्षद्वीप का जमीनी क्षेत्रफल केवल 32 किलोमीटर है। हालांकि नक्शे पर देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये द्वीप समूहों की शक्ल में हैं और इन समूहों को आर्चिपेलागो या द्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप का इतिहास कई सदी पुराना है और ये 1500 ईसा पूर्व तक फैला है, जब इसके एक ओर पश्चिम एशिया और अफ्रीका तथा दूसरी ओर दक्षिण एशिया और सुदूर पूर्व के हिस्से थे और यहाँ से एक व्यस्त समुद्री मार्ग गुजरता था।